हमारा मार्च इसलिए है कि हम चाहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस इरादे से बनाया गया था, ये मुल्क जिस वजह से सेकुलर बनाया गया था, वो चीज़ बरकरार रहे। ये मुल्क एक सेकुलर रहे, ये मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन अपने जगह पे रहे, कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ ना हो। इस मुल्क में सभी जाने वाले सब इंसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित मजदूर किसान, सब इस देश का नागरिक है। हम किसी को उसकी नागरिकता का प्रमाण लेने वाले हम नहीं। हम कौन हैं? जब संविधान हमारा ये राइट देता है कि क्वालिटी का संविधान हमारा राइट देता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तो ये सत्ता कौन होती है डिस्क्रिमिनेट करने वाले धर्म के आधार पर? मेरा मानना है अगर नागरिक है तो इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने में सभी ने मिलकर इस देश को सींचा है अपने खूनों से। अंग्रेजों को भगाने में सब ने अपना रोल नाम निभाया है। इसलिए मुल्क जाति धर्म मजहब के नाम पे नहीं बढ़ सकता। ये मुल्क जितना हिंदू का है उतना मुस्लिम का है। इसीलिए हम ये मार्च निकाले हैं कि हम ना CAA को मानते हैं ना हम NRC को मानते हैं। ये देश चलेगा तो बापू के आइन पे चलेगा, ये देश चलेगा तो बाबा जी के संविधान पे चलेगा, ये देश चलेगा तो चाचा नेहरू के मॉडल पे चलेगा। ये देश मनुस्मृति पे नहीं चल सकता, ये देश सावरकर और गोलवलकर के आइडियोलॉजी पे नहीं चल सकता। इस देश को बचाने के लिए, इस देश की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम निकल पड़े हैं। और जब तक हम ये इंश्योर ना कर ले कि हमारा मुल्क का जमहूरियत बचा है, जब तक हम ये इंश्योर ना कर ले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। तुम पुलिस बुलाओ आजादी, तुम लट्ठी मारो आजादी, तुम गोली चलाओ आजादी, तुम टियर गैस चलाओ आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, संविधान के दम पे आजादी, दस्तूर के दम पे आजादी, तालीम के दम पे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। जिंदा है, 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 जिंदा है।
बल जला के ये संदेश देना चाहते हैं कि देश रोशन कर रहे हैं हम और आपकी आंखें खोलने निकले हैं। मोदी सरकार जाग जाइए, हमारा मशाल से ही है, आप जाग जाइए अब भी कि जिन लोगों ने आपको कुर्सी पे बिठाया है वो आपको नीचे उतार भी सकते हैं। आप कितनों की आवाज़ दबाएंगे, आप कितने लोगों को खरीदेंगे, आप कब तक मीडिया को खरीदेंगे? हम यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जामिया के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एएमयू के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप उन पे लाठियां चलवा रहे हैं, आप उन पे बिना पड़ताल किए उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। आप आर्मी जो बनी है ना वो बॉर्डर पे रहने के लिए बनी है, वो यहाँ पे कैंपस में घुस के स्टूडेंट्स पर अटैक करने के लिए नहीं बनी है। और आप जो असम में कर रहे हैं वो आपके गोदी मीडिया दिखा क्यों नहीं रही है? मैं ये चाहती हूँ मीडिया दिखा क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं दिखा रही असम की पूरी पिक्चर? और अमित शाह जी आके बोलते हैं कि ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ प्रोटेस्ट नहीं कर रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं। अरे अमित जी कुर्सी पे से उतरी है और देश के जो हालात है ना वो आपको सब दिख रहे हैं, झूठ बोलना बंद कीजिए। आईपी यूनिवर्सिटी, एम्स, जेएनयू, जामिया और असम की सारी यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई इससे आपसे आपके इस बिल से, आपके इस लॉ से, आपके इस एक्ट से खुश नहीं है बिल्कुल भी। ये आप जो कम्युनल टेंशन बढ़ा रहे हैं, जो आपकी इनइक्वालिटी कर रहे हैं, इसे रोकिए क्योंकि आपकी नींव हिला देगी, अगर आपकी सरकार की नींव हिला देगी ये चीज़ जो आप ये जो इनइक्वालिटी कर रहे हैं कब तक करेंगे आप? इसे बंद कीजिए। एक तो आप ये पता कीजिए कि हिंसा कर कौन रहा है, आप कैसे श्योर हैं कि हिंसा स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं? आपके पास क्या प्रूफ है जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में बैठे हैं वो हिंसा कर रहे हैं? आपने पता किया कि वो एबीवीपी के गूंज हैं, बीजेपी के गूंज हैं, वो किसके गुंडे किसके हैं? आप बिना पड़ताल किए अपने दिल्ली पुलिस को आदेश दे रहे हैं कि फायरिंग करो, पत्थरबाजी करो, टीयर गैस छोड़ो। आपने जामिया के अंदर इतनी मारपीट करी, टीयर गैस छोड़ी, गर्ल्स वॉशरूम में घुस गए, गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए जामिया के आपकी पुलिस, क्यों? आप हम अपने घर में किसी को बिना नॉक किए नहीं आने देते, कमरा तो दूर की बात है, बिना इजाज़त के कोई घर नहीं घुस सकता। आप यूनिवर्सिटी में आप कैसे घुसे? अब वो भी लड़कियों के हॉस्टल में, लड़कियों के वॉशरूम में घुसे आपको पता है कैसा लगा होगा पूरी रात उस हॉस्टल? मैं तो हूँ भी नहीं ना जामिया की ना जेएनयू की, मैं तो डीयू की स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो वहाँ से जो तस्वीरें आई हैं, जो लोगों ने हेल्प मांगी है, आप उसको दबा रहे हैं, आपके इतना मारपीट कर रहे हैं, इतनी वॉयलेंस तो स्टूडेंट्स नहीं, वॉयलेंस तो आप कर रहे हैं, वॉयलेंस तो आपके गुंडे कर रहे हैं, वॉयलेंस तो आपकी पुलिस कर रही है, आपकी पुलिस के आदेश पे हो रहा है वॉयलेंस, तो फिर आप स्टूडेंट्स में कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? और आपने ये अभी जब इतना हल्ला गुल्ला हो गया तब आपने ये चीज़ दिखाई है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं थे वो जिन्होंने बस जलाई है, जिन्होंने भी जामिया में वायलेंस किया। आपने बाद में जांच पड़ताल करी, आपको बाद में पता चला कि वो स्टूडेंट्स नहीं थे, आपने पहले पता क्यों नहीं करा? आपने बिना अंधाधुंध, बिना जाने, बिना देखे वहाँ पे क्यों फायरिंग करी? आप स्टूडेंट्स को कैसे डिटेन करके ले गए? इतने इंजर्ड स्टूडेंट्स हुए हैं वहाँ पे, और जब वो पुलिस उठा के लेके गई होली फैमिली हॉस्पिटल में से इंजर्ड बच्चों को, पुलिस उठा के लेके जा रही है, अब बच्चे कह रहे हैं कि आप चाहे हमें पूरे साल रख लें जेल में लेकिन हमारा ट्रीटमेंट करने दें। ये उनका आपने बेसिक राइट कैसे छीना? कैसे आपकी पुलिस ने, आपकी पुलिस वहाँ बोलती है कि आज तक में जो लड़का आया था इंटरव्यू देने जामिया का, कन्हैया कुमार के साथ, और भी दो एबीवीपी के स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे और एक और लेडी थी, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, बट वो भी एबीवीपी की थी, ये चार को आज तक में बुलाया था। वो बंदे ने, वो लड़के ने बोला कि मेरा फ्रेंड मुस्तफ़ा वहाँ बोलता रहा कि मुझे पूरे साल रख लो चाहे, बट मेरा हाथ जो है मैं हैंडीकैप हो जाएगा, मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखना है, मैं कैसे लिखूँगा, मुझे कम से कम ट्रीटमेंट तो दो, ये उसका बेसिक राइट था। आपकी पुलिस कहती है कि मरेंगे 3-4 साल है तभी अकल आएगी, और आपने उसको बेसिक उसको मेडिकल ट्रीटमेंट तक नहीं दिया। कैसी सरकार है आपकी, कैसे स्टूडेंट्स के साथ बिहेव कर रही है, इस बात का जवाब दीजिए आप। होली फैमिली हॉस्पिटल से स्टूडेंट्स को उठा के ले गए, उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं होने दिया? पूरी रात आपने जेल में रखा विदाउट ट्रीटमेंट, कैसे आपने ट्रीटमेंट नहीं होने दिया उनका, और कैसे आपने बिना जाने उनको उठाया?
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।